स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी। अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज मैं खाना वही दाल रोटी बना रही हूँ। दाल के लिए चक्का तैयार हो गया मेरा, इधर दाल बन चुका है और इधर आटा लगाऊंगी अब रोटी के लिए। आज सुबह से कपड़ा भी बहुत धोना था, मौसम भी बहुत खराब है, फिर मैं कपड़ा धो दी जो कल से कह रहा है, और भी मौसम खराब होगा। नहा हुआ के पूजा वूजा हो गया मेरा, अब मैं दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये चले जाएंगे खाना खा के सब्जी लाने के लिए। सब्जी कुछ भी नहीं है घर में, ना सब्जी है ना आलू है, कुछ भी नहीं है, तो सब्जी लाना ज़रूरी है। और कान का तो मेरा कहीं मिला नहीं, बहुत ढूंढी, कल भी ढूंढी पर कहीं नहीं मिला। चलिए, और वो ढूंढने उड़ने के चक्कर में एक दो दिन बाजार नहीं जा पाए, और इसलिए सब्जी उब्जी कुछ नहीं था घर में। और मेरा मंगलवार है, और तो अभी मैं रोटी बना दे रही हूँ, रोटी खा लेंगे, रात में मैं चावल बनाऊँगी। तो खाना दे देती हूँ इन लोगों को, बच्चों को खाना दे देती हूँ। अब मैं कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, कपड़ा बहुत सारा है, तो कभी भी बारिश लग जाए, क्योंकि पूरा बादल लग गया है। ये देखिए कपड़े तो मैं ले आई, कितना सारा कपड़ा है, कपड़ा पूरा ढेर लगा हुआ है। और ये सारा कपड़ा जितना मोटा मोटा है, ड्राई करने के बाद भी ये सारा कपड़ा गीला है। और इसको मैं फिर से अभी जा रही हूँ वॉशरूम में फैला दूँगी, धूप निकले कल तो धूप में दूँगी, नहीं तो घर में ही छोड़ दूँगी। ऐसा मौसम रहेगा तो घर में ही छोड़ दूँगी, हवा पर सूख जाएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर देखे कोई फ़ायदा है नहीं। और ये भी आ गया सब्जी उब्जी लेके, क्योंकि कुछ सब्जी था नहीं, आलू तक ख़त्म था, तो ये मौसम ख़राब हो रहा था तो ये चले गए थे लेने के लिए। ये भी आ गए हैं लेके, देखती हूँ क्या सब्जी लेके आए हैं। और बच्चे अपना कार्टून देख रहे हैं घर में बैठ के, क्या करें, हम कहीं खेलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, ना खेलने वाला यहाँ कहीं मौसम है ना कुछ है, तो बच्चे घर में ही रहते हैं, अपना कार्टून वार्टून देखते रहते हैं। अभी छुट्टी का टाइम है, और देखती हूँ सब्जी उब्जी क्या ले के आए हैं। मैं बाहर से आई, ठंड लग रहा, गर्म कपड़ा पहनी हूँ, ये सूट पहनी हूँ, फिर भी ठंड लग रहा। मैं सोची पहले थोड़ी देर हीटर सेक लूँ, हाथ सेक लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या सब्ज़ी लेके आए हैं, क्योंकि उसी हिसाब उसी से देखूँगी रात की सब्ज़ी के लिए। और देखती हूँ क्या लेके आए हैं। ये टमाटर, टमाटर तो अभी भी यहाँ 70 का मिल रहा है, 70 का प्याज, 70 का टमाटर ऐसे मिल रहा है। ये प्याज है, और एक ये पत्ता गोभी, और इसमें देखती हूँ और क्या है, क्योंकि मैं भी नहीं देखी थी, ये रख के चले गए थे, तो मैं भी अभी आई हूँ। इसमें एक फूल गोभी है, और धनिया पत्ता, हरी मिर्च है, और इसमें नया वाला 5 केजी आलू है, जिसको मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें किन किन सा रहता है तो वो पूरे घर में हो जाता है, तो मैं इसको इसी में रहने देती हूँ, क्योंकि आलू में मिट्टी बहुत सारी लगी हुई है, तो इसको बाहर निकालूंगी मैं तो पूरा फर्श अभी गंदा हो जाएगा, तो मैं इसको इसी में रहने देती हूँ, वहाँ डलिए के पास ही इसको निकाल के उसी में रख दूँगी, क्योंकि मैं डलिए के नीचे में पन्नी डाल के रखी हूँ, जो नीचे ना गिरे मिट्टी उट्टी, तो मैं जा रही हूँ पहले वहीं पे निकाल के रख दूँगी। और आज का यही सब्जी ये लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट में कुछ सब्जी यही सब मिलता है, सब्जी शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी,
और बीन्स यही सब सब्जी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है इधर, तो ये सब सब्जी लेके आए हैं। तो मैं तो जा रही हूँ, सबसे पहले कपड़े को लगा दूंगी। और मैं ये स्वेटर धोने सूखने के थी, जो सूख जाएगा तो फिर मैं यही स्वेटर पहन लूंगी, क्योंकि मुझे ये स्वेटर बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये लाइट वेट का है, बिल्कुल हल्का है, और दूसरा गर्म भी है ये, और इसको पहन के काम करने में बहुत ही इजी लगता है मुझे। तो मैं सोच रही थी ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसको पहन लूंगी। सूख तो ये थोड़ा बहुत नीचे से, और इसका बाजू गीला है, सूखा नहीं है पूरा ये, इसलिए मैं सुबह से स्वेटर नहीं पहन रही थी, क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे। फिर मैं सोच रही थी ये सूख जाएगा तो इसी को पहन लूंगी। जा रही हूँ मैं इसको जगह पे रखने के बाद सबसे पहले चाय बनाऊंगी, क्योंकि एक तो सुबह से मैं पानी छोड़ रही थी कपड़ा धोते धोते, फिर घर का भी काम था, फिर लोगों के खाना होने के बाद मैं बर्तन धोई तो पानी नहीं छोड़ रही थी, व्रत भी है, और ये भी मार्केट से आए हैं तो इनका भी हाथ पैर पूरा ठंड से, कह रहे हो जो काम नहीं कर रहा है। तो जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, अदरक डाल के चाय बनाऊंगी, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद इस कपड़े का देखती हूँ क्या करना है, कहाँ क्या डालना है, क्योंकि तो बहुत सारा कपड़ा है। तो सबसे पहले जाती हूँ चाय बनाने के लिए, और सब्जी सबको डलिए में रख देती हूँ जगह पे। ये देखिए सब्जी सब मैं अपने जगह पे रख दी हूँ, इसकी जगह पे डलिया में, और धनिया वनिया निकाल के मैं रख देती हूँ बाहर में। और मिट्टी देखिए कितना सारा है आलू में लगा हुआ, इसको अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा। ठंड में तो जित लगता है पानी वाला ही सारा काम रहे, बगैर पानी का कोई काम ही ना रहे। जा रही हूँ मैं धनिया पत्ता का चटनी भी बना लूंगी, क्योंकि फिर ये रखा रह जाएगा तो ये सूख जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं धनिया पत्ता का चटनी बना लूँ। और मिर्ची भी बहुत अच्छी अच्छी है, हरी हरी है एकदम से, क्योंकि मुझे शशि के पापा को भी और मुझे भी दोनों आदमी को हरी मिर्च खाने में बहुत अच्छा लगता है। तीखा हम लोग कम खाते हैं सब्जी में, मिर्च ज़्यादा नहीं डालते हैं, पर हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, खाना भी चाहिए हरी मिर्च, शशि के पापा को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है हरी मिर्च खाने में। इसमें से छांट लेती हूँ मैं हरी मिर्च, क्योंकि एक आध सारा भी है तो उसको निकाल लूंगी। और फ्रिज तो रखी नहीं हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम ही ऐसा है जो फ्रिज का काम कर लेता है, तो इसलिए फ्रिज नहीं रखी हूँ मैं। अब शाम के बाद मैं फिर अभी आपसे मिल रही हूँ, शाम का जोत जलाने के बाद आरती करती हूँ मैं अब मंगलवार का। तो आरती उरती करने के बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए, और इधर मैं बनाई हूँ सब्जी, चना आलू की सब्जी बनाई हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था तो हो रहा था ये मार्केट जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं दे दी थी चना भीगने के लिए, जो कम से कम चना का सब्जी और भात बन जाएगा, चावल या चावल चढ़ा दी हूँ। और इधर ये धनिया पत्ता की चटनी बनाई हूँ, आज मैं इसमें क्या दी हूँ, इसमें मैं अचार का मसाला दे के आज चटनी बनाई हूँ खटाई के लिए। आज का खाना हमारा यही है, चावल चने आलू की सब्जी और धनिया पत्ता की चटनी। और जब तक चावल बनेगी तब तक मैं जा रही हूँ एक रोटी खा लेने के लिए, सुबह में जो रोटी बनाई थी तो एक रोटी बना के रख दी थी, अभी एक रोटी खा लेती हूँ सब्जी के साथ, क्योंकि चावल बनने में भी टाइम है और भूख लग गई है मुझे, तो जा रही हूँ मैं तब तक एक रोटी खाऊंगी और थोड़ी सी चटनी ले लेती हूँ, चटनी या सब्जी के साथ एक रोटी खा लेती हूँ। क्योंकि जब तक आप व्रत में रहो तो भूख का एहसास नहीं लगता है, जब ये चीज होता है हाँ व्रत खोलना है तो भूख लग जाती है। चावल जब तक बनेगी तब तक मैं एक रोटी खा लेती हूँ। आज तो बहुत ठंडी है, खाना मेरा बन गया है, जा रही हूँ मैं खाना निकाल देने, क्योंकि चावल ठंडी हो जाएगी, भाप निकलते निकलते हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खाना निकाल देने के लिए। आज तो बहुत ठंडी है बाहर, तो एकदम निकलने का मन नहीं कर रहा, शाम में गई थी झाड़ू लगाने के लिए मैं, शाम का बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, जो कि अभी बारिश नहीं हुई है, बारिश लग जाए तो और ठंडी बढ़ जाएगी। मौसम तो दिखा रहा है जो दो चार दिन तक है खराब, लेकिन देखिए बारिश होती है या ऐसे ही रह जाता है।
ये देखिए आज का हमारा खाना, चावल चटनी, पापड़ और ये सब्जी चने आलू के। और ये सेका हुआ पापड़ है, क्योंकि सेका हुआ पापड़ में थोड़ा ज़्यादा टेस्ट लगता है खाने में, तो सेक दी हूँ मैं और दे देती हूँ खाने के लिए। खाना तो हो गया, अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो रही हूँ क्योंकि रात का अच्छा बर्तन मैं नहीं रखती हूँ सुबह के लिए। बहुत ऐसा इमरजेंसी या मन नहीं करता है, कप भी ऐसे रख देती हूँ, नहीं तो रात का जूठा बर्तन मैं नहीं छोड़ती हूँ। सिर्फ कुकर नहीं धोऊंगी, क्योंकि कुकर में आज मैं पानी डालना भूल गई थी, तो वो चावल बैठ गया है, तो धोने में थोड़ा भी वो तो इसीलिए मैं सिर्फ थाली उली जितना जूठा वाला है वो सब धो के रख देती हूँ। इधर सारा किचन भी समेट दी हूँ, किचन साफ कर दी हूँ, बस बर्तन धोने के लिए रह गया, तो बर्तन धो के उसके बाद मैं चले जाऊंगी आज कंबल में लेटने के लिए, क्योंकि पूरा दिन आज मैं एक बार भी कंबल में बैठने के लिए नहीं गई हूँ। आज पूरे दिन खड़े ही हूँ, सारा कपड़ा उपड़ा फिर फैलाई थी उस रूम में, अब पानी भी इतना ठंडा है, तो थोड़ा जल्दी काम करके चले जाऊँ मैं कंबल के नीचे। सारा काम करके बर्तन वर्तन धो के किचन समेट के थोड़ा सा पहले हाथ पैर सेक लेती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। उसके बाद चले जाऊँगी हम लोग सोने के लिए। और आपको यदि मेरा ब्लॉग पसंद आए तो झा फैमिली की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।